लगाण वर्षा स्थिति समीक्षा कले मुख्यमंत्री मोहन माझी राजस्व मंत्री एसआरसी मुख्य शासन सचिवों आलोचना करिछंती। आज विधानसभा कार्यालय प्रकोष्ठ में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बंगोपसगर में सृष्टि होता लघुचाप प्रभाव में होता क्षय क्षति और यार मुकबिला पदक्षेप संपर्क में समीक्षा कर राजस्व और विपर्य परिचालना मंत्री सुरेश पूजारी एवं राजस्व और विपर्य परिचालना विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव देवरंजन सिंह मुख्यमंत्री को ए संबंध में अवगत कराइले संपूर्ण परिस्थिति को बुझा सह जल प्रलय स्थिति अनुध्यान करिसंती मुख्यमंत्री। सेपटे वर्षा स्थिति नियंत्रण थिबा कहिसंती राजस्व मंत्री लगाण वर्षा सत्वे कहारे मृत्यु होइ नथिबा बेले केवल भूस्खलन रे जणे आहत होइछंती। मालकानगिरी रे 6टी ओड्राफ और 5टी अग्निशम टीम मुतयन थिले। जिल्ला रे 80टी रेस्क्यू बोट मध्य मुतयन थिला। स्टैंडबाय रे बीएसएफ और एनडीआरएफ को रखा जाइथिला। आवश्यक स्थल में हेलिकॉप्टर व्यवहार होता एथिपाई केन्द्र सह आलोचना होता पखापाखि 1700-1800 लोक उद्धार कर मंत्री कहते वर्षा स्थिति सुधुरी खूब शीघ्र स्वाभाविक होबोली आशा अच्छी। वर्तमान क्षयति आकलन हो पर्याप्त क्षतिपूरण निष्पत्ति निया कथा मंत्री सुरेश पूजारी सूचना देते पूर्व अनुमान बाबद आमको जहाँ इनफर्मेसन मिलता से ओडिशा रे प्रबल रु प्रबलतर वर्षा हवा कथा किंतु प्रकृत में अवपातटा मलकानगिरी कोरापुट देकर पूरी होकरी वर्तमान छत्तीसगढ़ पार होगला दुईटा जिला मुख्यतः ये क्षतिग्रस्त है गोटे हूँ कोरापुट और मलकानगिरी कोरापुटर क्षयति मलकानगिरी तुलना रे बहुत कम मलकानगिरी और कोरापुटर गुड़िए गाँ जलमग्न हवा फल लोक को ये विपद समय संपूर्ण सहयोग करने आमर प्रयास से प्रयास रे राजस्व विभाग एवं विपर्य परिचालना विभाग एवं अग्निशम विभाग ये समस्त भूमिका बहुत चमत्कार थिला। आमर राजस्व सचिव तथा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से केन्द्र गृहमंत्री सांगे कथबार्ता करते 6टा ओडीआरएफ टीम मलकानगिरी को आम पठेलु 5टा अग्निशम विभाग जो माने ये रिलीफ काम करती से अवस्थापित कराही बीएसएफ को मध्य केंद्र सरकार स्टैंड बाय रखी थे आवश्यक पड़े से व्यवहार आम कर केन्द्र सरकार चपर मध्य हेलिकॉप्टर सेटा स्टैंड बाय रखाई थी आवश्यक पड़े व्यवहार होता किंतु अवपात गति बदली जावा फल आम पाखे जहाँ सूचना अच्छी मलकानगिरी जिलापाल निजे तत्वावधान रिलीफ एवं ऑपरेशन काम कर 1780 जन लोक जो माने क्षतिग्रस्त होती से माने रिलीफ सेंटर रे अच्छा से मानी भोजन फोजन व्यवस्था रहणीर व्यवस्था एवं चिकित्सार व्यवस्था कराई तीन जन अधिकारी मलकानगिरी अवस्थापित अच्छा जो मान भर आपणकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी एसटीएससी डिपार्टमेंट से मध्य अवस्थापित अच्छा से डीआईजी सदर्ण डिविजन से मध्य अवस्थापित अच्छा एवं तार सांगरे सांगरे डीजी होमगार्ड एवं फायर से मध्य अवस्थापित अच्छा गोटे मध्य कैजुअलिटी होना सफलतार सहित जो माने पानी खेर रहिले से मानको उद्धार कराई से मानको रिलीफ सेंटर रे रखाई एवं तांकर पूरा दायित्व जिला प्रशासन बहन करतकाली वर्षार संभावना थिला किंतु वर्षा काली संध्या रे मलकानगिरी कम हवा कारण धीरे धीरे पानी जोटा मलकानगिरी विभिन्न गाँ को घेर रखी था धीरे धीरे कमिबार आरंभ होलानी आम आशा करूँ जो मैंने रिलीफ सेंटर अच्छा से धीरे धीरे कर फेरवा आरंभ करेंगे
केन्द्र गृहमंत्री एवं ओडिशार माननीय मुख्यमंत्री दुहे ये परिस्थितिर सामना करिवारे प्रत्येक घंटा तथ्य संग्रह करथिले एवं ई बाबदरे मार्गदर्शन करथिले। आउ आमे आशा करछु दिने अधरे लोक जो माने रिलीफ सेंटर अछन्ते सेमाने घर को फिरिबा आरंभ करिवे एवं तार परे आमे सेमानकर जोटा पोस्ट बन्या बन्या परवर्ती जो कार्यक्रम माने हेबा कथा सेथिरे जो मानकर घर भांगी जाइछि तार मध्य निर्दिष्ट समय सीमा भितरे चिन्हट हेबो एवं असेसमेंट हेबो। जो फसल नष्ट होइछि सेटा मध्य अधिकारी मानकु पठेबाटा आमे आरंभ करूनि से तार मध्य क्षयक्षतिर हिसाब हेबो एवं यथाशीघ्र लोकंकर थैथान सांगरे सांगरे क्षयक्षतिर आकलन होकरि क्षयक्षतिर परिमाण मध्य क्षतिग्रस्त लोक प्रदान करने समस्त व्यवस्था हो सारी। आज माननीय मुख्यमंत्री सांगे आम राजस्व विभाग एवं विपर्य परिचालन विभाग अधिकारी माने कथाबार्ता करिछु एवं स्थितिर समीक्षा करिछु एवं मु धन्यवाद देवा पई चाहिबि जे प्रशासन ODRF टीम अग्निशम बाहिनी पुलिस प्रशासन ए मानकर उद्यम फलरे आज प्राय 250 mm रु अधिक वर्षा हवा सत्वे कौन सी क्षय जीवन क्षयक्षति होना एवं समस्ते सुरक्षित अच्छा आउ बोधे आसंता काली बेलू संपूर्ण स्वाभाविक परिस्थिति मालकानगिरी को फेरी आसो।